नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आपका अपने चैनल होने जर्नी प्लान्स में स्वागत है एवं हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कर्नाटका टूरिस्ट प्लेसेस प्लेलिस्ट में। आज हम इस वीडियो में जाने वाले हैं समुद्र के किनारे साइकिलिंग करते हुए जो कारवार से गोवा जाने वाले रास्ते में मंजली कस्बा में मंजली बीच के नाम से जाना जाता है। तो आज हम मंजली बीच में साइकिलिंग करने जा रहे हैं तथा जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उस रास्ते में हमें सबसे पहले मिलता है श्री रामनाथ देवस्थान, जो एक मंदिर परिसर है और इस मंदिर के कुछ छुपे हुए रहस्य हैं। तो हमें आपको यह बताने में बेहद खुशी हो रही है कि आपके अपने चैनल ने यहाँ का एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें यहाँ के रहस्य के बारे में बताया है। तो आप ऊपर की तरफ आई बटन में क्लिक करके यहाँ का वीडियो देख सकते हैं और यहाँ के बारे में जान सकते हैं, उसमें हमने सारी चीज़ें कवर करी हुई हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मंजली बीच की तरफ साइकिलिंग करते हुए। मंजली बीच पहुंचने का रास्ता कुछ ऐसा है जो हमें मंजली कस्बे को पूरा क्रॉस करके जाना पड़ता है, तभी मंजली बीच में हम पहुंचेंगे। तो अभी ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं मंजली बीच में। यहाँ पे एंट्री के समय में स्टार्टिंग में हमें एक बोट दिखी है और आगे की तरफ चलते हैं। सामने आप देख सकते हैं वो बीच है, यही है मंजली बीच। बट अभी तक एक रोड बनाई गई हुई है, हम इस रोड को कवर करते हुए आगे की तरफ चलते हैं, फिर बीच में नीचे उतरेंगे। आपको हम यह बता देते हैं कि इस बीच की लंबाई 4.5 किलोमीटर है तथा यह बीच कर्नाटका में एक प्रसिद्ध आकर्षण है और यह समुद्र के सामने बने कॉटेज और रिसोर्ट के लिए जाना जाता है और यह बीच देवबाग बीच के बाद शुरू होता है और इसी बीच के पास एक रिसोर्ट और कॉटेज बनाया गया हुआ है जो मंजली बीच रिसोर्ट के नाम से जाना जाता है। अभी आप देख सकते हैं समुद्र के किनारे उतर चुके हैं, तो हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे रनिंग, साइकिलिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमें आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको कौन सी एक्टिविटी सबसे प्यारी लगी, सबसे अच्छी लगी। रनिंग करते करते देखिए हमने आपके लिए क्या ढूंढ निकाला है, ये क्या है? ये हमें लग रहा है एक सी सेल है, देखते हैं चेक करके क्या है। हाँ बिल्कुल सही, हम सही जा रहे थे कि ये सी सेल ही है, सही बोल रहे थे कि ये सी सेल ही है। आप देखिए हम इसको साफ़ करते हैं और दिखाते हैं आपको कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और उसके साथ साथ में आप यहाँ का सनसेट वाला व्यू भी देखिए और हमें बताइएगा कि सनसेट वाला व्यू और ये सी सेल्स आपको कैसा लगा। दोस्तों समुद्र के किनारे बैठने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ पर जो समुद्र की लहरें सुनाई देती हैं कानों में, बहुत अच्छा फील होता है और यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। तो आप बताइएगा हमें कि आप कभी समुद्र तट के किनारे गए हैं कि नहीं गए हैं और वहाँ पर आपने कितना समय व्यतीत किया है, कितने देर तक आप समुद्र के किनारे रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। मैं साइकिलिंग भी कर रहा हूँ और रनिंग भी मैंने करी है, आप देख सकते हैं। और हमें बताइएगी आपको कौन सी एक्टिविटी सबसे अच्छी लगी। हमने समुद्र के किनारे बहुत देर तक साइकिलिंग करी, लगभग मुझे 15 से 20 मिनट हो गया और उससे पहले मैंने रनिंग करी, तो मैं काफ़ी थक सा गया हूँ। तो अभी मैं पानी पीऊँगा और आपको आगे चल कर दिखाऊँगा कि यह बीच कितना अच्छा लगता है देखने में और यहाँ पर कितने सारे लोग आए हुए हैं। तो आप बने रहिए हमारी इस वीडियो में लास्ट तक। और उसके साथ साथ में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि आपके अपने चैनल होने जर्नी प्लान्स ने स्टार्ट करी है एक सीरीज़ जिसका नाम है कर्नाटका टूरिस्ट प्लेसेस, जिसमें हम कर्नाटका के अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करेंगे आपके सामने और अपने वीडियोस के माध्यम से हम उन जगहों के बारे में सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी कोशिश को आप एकदम सकारात्मक बना दीजिएगा, क्योंकि कुछ सब बोले जाते हैं कि लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हमारी कोशिश को कम्प्लीट करने में हमें आपका सहयोग चाहिए।
जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन से हम प्रेरित होकर बहुत जगह की वीडियोस आपके सामने लाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बच्चे खो खो खेलने में लगे हुए हैं समंदर के किनारे, तो ये एक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी होती है। खो खो खेलना भी बहुत अच्छा होता है, हमारे देश में भी बहुत अच्छे से खो खो खेला जाता है। आप अगर किसी खो खो प्लेयर का नाम जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो खो खो प्लेयर कौन है। और मैं अभी आपको यहाँ का राउंड व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर आप उससे पहले ये देख सकते हैं बहुत सारी नाव खड़ी हुई हैं, और अभी आप देखिए यहाँ का राउंड व्यू जो सनसेट व्यू के साथ में रहेगा। और उसके बाद हम आगे चल के कुछ डिटेल्स आपको देने वाले हैं समंदर के किनारे बने कॉटेज और रिसोर्ट के बारे में। यह मछली बीच कर्नाटक के समुद्र तटों में से एक है जो अपने समुद्र के किनारे बने कॉटेज और रिसोर्ट के लिए जाना जाता है, और यह इस प्रकार चारों ओर से लोगों को आकर्षित करता है। उसके साथ में आप सामने एक देख सकते हैं एक छोटा सा द्वीप है जहां पर जाने के लिए हमें बोटिंग करके जाना होता है, मगर आज इस बीच में काफी कम लोग आए हुए थे जो मैंने ऑब्जर्व किया। और ये देखिए आप सामने ये है कॉटेज जिसके बारे में आपको बात कर रहा था, जो मछली बीच रिसोर्ट के नाम से जाना जाता है, मगर आजकल ये बंद है और यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। अभी आप देखिए वही रहा आइलैंड जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, इसी आइलैंड में लोग नाव से जाते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन इतनी जनसंख्या कम लग रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे हल्की सी बारिश हुई थी पहले जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी कम लोग आए हुए हैं। तो आप हमें बताइएगा कि आपको कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा, हमारी कौन सी एक्टिविटी सबसे अच्छी लगी, और खो खो के प्लेयर का नाम बताना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हमें कमेंट करके बताइए खो खो का प्लेयर कौन है। और दोस्तों हम आपको यहाँ के रिसोर्ट के बारे में अपडेट देते रहेंगे, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, हॉर्नेट जर्नी प्लान चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबाना होगा, जिससे कि वहाँ की न्यूज़ आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।